अच्छा, तो रिलेटेड अकाउंट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे, और इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो मतलब अब इसमें सेक्शन 3 ही लगता है, लेकिन लिंक अकाउंट का लगता है, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट्स वाकई ही लिंक हुए हों। कुछ केसेस में इस तरह से भी होते हैं कि आपका और उस पर्सन का कोई लिंक नहीं होता, लेकिन उसके बिहाइंड भी बहुत सारे लिंकेज होते हैं, जिसकी वजह से आपको जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा होता कि आपको कोई उस अकाउंट से लिंक है, लेकिन बैकएंड पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर आपके अकाउंट लिंक हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 97% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वाकई ही मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और उनकी लिंकेज होती है आपस में। 3% केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें आप समझ लो कि जस्ट वो एरर की बुनियाद पर, या फिर आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो, आपका कोई वास्ता ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही उस अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर जाकर आपके अकाउंट जो है वो लिंक हो रहे हैं। तो इसके लिए दो तरह की फर्दर इसमें कैटेगरीज होती हैं। एक इस तरह की कैटेगरी होती है जिसमें आप समझ लो कि जो अकाउंट है ना, फॉर एग्जांपल ग्लोबल अकाउंट है, 13 मार्केट प्लेसेस हैं उसमें। अब क्या होगा कि एक छोटी वॉयलेशन लगती है एक अकाउंट पर और उसकी FBM बंद हो जाती है, या कुछ भी वट एवर जो भी इशू आता है एक अकाउंट पर, एक मार्केट प्लेस में आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उस एक मार्केट प्लेस में अगर उस वॉयलेशन को नहीं ओवरकम किया जाता, तो पूरी जब मार्केट बंद होती है तो ओवरऑल 13 मार्केट प्लेसेस बंद हो जाती हैं, स्पेशली सेक्शन 3 के केसेस में ये होता है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि ओवरऑल आपकी सारी मार्केट प्लेसेस जब बंद होंगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर मार्केट से इस तरह का मैसेज आ रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि आपकी किसी एक अकाउंट ने वायलेशन किया। हालांकि वो अकाउंट नहीं होता, एक मार्केट होती है। तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, समटाइम वो सेम नाम ही दे रहे होते हैं। अभी एक अकाउंट मैंने इस तरह का भी था मेरे पास कि एक अकाउंट की ना मतलब जब रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई थी, वो इस तरह से करवाई थी जैसे DBA रजिस्टर करवाते ना कि डूइंग बिजनेस एज, उन्होंने DBA रजिस्टर करवाया हुआ था कि कंपनी का नाम कुछ और था और अमेजोन पे किसी और नाम से वो सेलिंग कर रहे थे। तो मतलब कहने का ये कि जब उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो उनको ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस से जो है वो मैसेज आया कि उनकी कंपनी के नाम से और उस मेन अकाउंट को जो है वो जिस पर वॉयलेशन आई है, यानी कि USA के अकाउंट पर वॉयलेशन आई थी, और ऑस्ट्रेलिया के उससे जो है ना मैसेज आया कि आपकी ये कंपनी है और इस अकाउंट के साथ लिंक हुआ है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब वो बंदा परेशान कि ये तो मेरे ही अकाउंट का दूसरा नाम है। फिर उसने जब कॉन्टेक्ट किया तो फिर उसको समझाया कि देखो ये तुम्हारी LLC है, अब जो तुमने ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट बना हुआ है वो LLC का नाम ही उस पर कंसीडर किया जा रहा है, और तुमने जो स्टोर का नाम USA में यूज किया है वो क्योंकि डिफरेंट है। अब वो ये बता रहा है कि असल में ये स्टोर बंद हुआ है, इसकी वजह से तुम्हारा ये स्टोर भी बंद हो गया है, तो एक्चुअल बेसिक रीजन ये है। तो समटाइम इस तरह से भी होता है, और फिर क्लाइंट को चीजें समझाना और खुद से समझना भी समटाइम मुश्किल हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल तहम्मुल के साथ अकाउंट को देखा जाता है और चेक किया जाता है कि क्या चीज इसमें प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा ही जल्दी मचा रहा होता है। वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने देखना है कि किस तरह से क्लाइंट को होल्ड करके आपने तसल्ली से काम करना है, क्योंकि देखो वही बात है कि अगर रूट कॉज आपको नहीं पता चलता ना, आप किसी भी सूरत में अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करवा सकते। कहने का मकसद ये कि बहुत सारे अकाउंट्स इस तरह के होते हैं जो कि लिंक होते हैं और आपको रीजन पता चल जाती है और वो एक ही अपील में खुल जाते हैं। तो रीजन रिलेटेड अकाउंट में फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जी हबीब, क्वेश्चन आपका। मैम, मैंने ये केस दो केसेस मैंने देखे थे इसमें अपनी एक्सपीरियंस में। मैम, दो अकाउंट्स पे 4 लाख एक्सेस थी मेरे पास। तो एक अकाउंट पे उन पे कोई इश्यू आया था कि उन्होंने किसी ब्रांड को मीटू किया था, तो उस ब्रांड ने उन पे क्लेम की, तो उसके ऊपर सेक्शन 3 लगा। बट जो दूसरा अकाउंट था वो अभी बिल्कुल बना ही था और उस पर कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने जो लिंक्ड अकाउंट की जो ईमेल दी थी वो उस प्रीवियस अकाउंट के बेस पे दी थी कि आपका अकाउंट इसके साथ लिंक्ड हुआ है। हालांकि बिल्कुल। एक तो चाइल्ड अकाउंट यूज हो रहा था, दूसरा कुछ भी उसमें चीजें सेम नहीं थी, बिल्कुल दोनों चीजें मैं डिफरेंट थी। ये तो उन्होंने बताने वाली हूँ आपको, अभी देखें ये इसके बाद जो है ना आपका जो मेन पॉइंट है ना ट्रिगर पॉइंट्स में, वो आप के पास सबसे पहले है ही ये कि आपने ईमेल चेक करनी है। मैं अभी इस पॉइंट पर आ रही हूँ।
तो ये वाकई ही ये सिनेरियो होता है। अभी एक क्लाइंट इस तरह के मेरे पास आए थे, उनका एक अकाउंट मतलब वो तीन दोस्त हैं, थ्री फ्रेंड्स हैं उनके, अलग अलग अकाउंट थे और एक ही वीए के पास थे। अब उस बंदे ने क्या किया कि एक ही ईमेल पे तीनों की वो ली, मतलब हालांकि ले सकते हैं चार्ली एक्सेसेस, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अकाउंट पर जो है वो प्रॉब्लम आई और तीनों अकाउंट लिंक होके बंद हो गए, और तीनों समझें कि 5 5 10 10 मिनट के वक्फे से जो है वो तीनों डीएक्टिवेट हुए, पहले पे सेक्शन 3 और बाकी दोनों उसके साथ लिंक हो गए। जी जी हबीब, एक तो ये केस था, एक केस ये आया था कि मैम जो भी आप बता रही थी कि एक मार्केट प्लेस, यूके की मार्केट प्लेस पे उन्हें सेक्शन 3 उस पे ईमेल आई थी उसकी, और यूएसए का जो है वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो गया था कि आपका लिंक्ड हुआ है। लिंक्ड किस सेंस में था कि उन्होंने जो यूके की मार्केट प्लेस है ना उसका नेम चेंज किया हुआ था, बाकी सब मार्केट प्लेसेस का सेम ही था, जो कंपनी था उन्होंने जी सिर्फ यूके का, जो उनके कोई दोस्त हैं जो उनकी कंपनी का पता है तो उन्होंने उसका नेम चेंज कर दिया था कि उनको कोई कुछ पता ना हो कि प्रोडक्ट्स कौन सी बेच रहे हैं। जब उनका यूके की मार्केट प्लेस जिसका नेम चेंज था वो जब उस पर सेक्शन 3 लगा तो उनकी यूएस की मार्केट प्लेस भी बंद हो गई, और यूएस की जो मार्केट प्लेस है उस पर ईमेल आई थी कि आपका लिंक हुआ है यूके की मार्केट प्लेस, हालांकि वो उनका ऐसे सेम अकाउंट ही है। ही है जी, ऐसे ही है। तो यही सिनेरियोज मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से होता है, और ये मतलब अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक अकाउंट जो मैंने आपको बता दी है जरूरी है कि वो हर दफा वो हर अकाउंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। आपको हर अकाउंट की नेचर को खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसमें इन सारे सिनेरियोज में आप समझ लो कि जो आपकी सिक्स्थ सेंस है ना वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए, वो चीजों को एनालाइज बिल्कुल इन डेप्थ जाकर और कीनली ऑब्जर्व करेगी तो प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, वो कहते हैं कि अगर आपने अकाउंट अपना सक्सेसफुली रीएक्टिवेट करवा दिया तो आप सबमिट करवाएंगे, इस अकाउंट पर भी आप सबमिट करवाएंगे, फिर आपकी मतलब ये वाला अकाउंट भी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से लिंक होते हैं अकाउंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो कोई और अकाउंट ओपन करो, क्योंकि जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के काम भी लोग कर रहे होते हैं, मतलब लिंक अकाउंट की क्योंकि बात चल रही है तो उससे काफी सारे केसेस जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं वो जहन में आ जाते हैं। तो एक अकाउंट इस तरह का भी था कि एक अकाउंट मेन अकाउंट था उनका, उस पर सेक्शन 3 लगी या पता नहीं कोई भी मतलब वायलेशन लगी, उन्होंने कहा ठीक है इसको छोड़ो, उसमें फंड्स नहीं थे, उन्होंने कहा इसको छोड़ो, उन्होंने एक और कंपनी बनाई और मतलब सब कुछ चेंज किया लेकिन उन्होंने लैपटॉप चेंज नहीं किया, अब वो आईपी सेम रह गई, उसकी वजह से वो अकाउंट उसके साथ लिंक हो गया। उन्हें तब भी समझ ना आई कि लैपटॉप की वजह से ये इशू आया। अच्छा उन्होंने कहा कि ये तो फ्री अकाउंट ही था, अभी हमने LLC इसकी बनाई नहीं थी, ये बनानी थी या जो भी था, उन्होंने एक और अकाउंट पकड़ा वो बना लिया। अब वो तीसरा चौथा अटेम्प्ट लेने के बाद और फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई हमारे तो हम तो जो बनाते हैं वही उड़ जाता है अकाउंट, तो क्या इसका सीन है। फिर हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से उनका एक अकाउंंट उन्हें क्रिएट करके अब दिया है। तो लाइक ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज की अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि जब एक अकाउंट पे वायलेशन लगती है तो वो अदर अकाउंट ओपन करने की मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि रिलेटेड अकाउंट की तरफ ट्रिगर करती है, और अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि हम जो है वो मतलब डुप्लीकेट अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक सिचुएशन हो गई है कि एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी, बंदा कह रहा था कि हम इस तरह के अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अकाउंट कोई सस्पेंड हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है किसी भी वजह से, वो बंदा उसी सिस्टम में जाकर उसी अकाउंट को पहले डिलीट करते हैं अमेजोन के एल्गोरिदम से, और फिर वो सेम इंफॉर्मेशन पे दोबारा वही अकाउंट एक नया ओपन करके दे देता है। तो ये एक नई मैंने चीज देखी जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो मतलब ये कि इस हद तक भी लोग कर लेते हैं इन चीजों को, हैक और सारा कुछ, लेकिन फिर ऑब्वियसली वही बात है कि अमेज़न अपने एल्गोरिदम को उतना एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता रहता है जब कोई नई चीज या नई ट्रिक उसके ऊपर लगती है। तो अब इसमें देखें कि
97% केसेस में लोग दूसरा अकाउंट बना रहे होते हैं, और बहुत सारे केसेस में इस तरह से भी होता है कि जो लिंक अकाउंट्स होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें आइडेंटिकल होने की वजह से आपके अकाउंट जो हैं वो लिंक होते हैं, जिसमें आइडेंटिकल बिजनेस एड्रेस है या बिजनेस नेम है या फिर सेम वायरलेस आपने यूज़ किया है नेटवर्क वगैरह, या फिर आपने लॉग इन किया है सेम कंप्यूटर से, या फिर आप सेम ईमेल को ट्राई कर रहे हो, या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है, या कोई कार्ड वगैरह आप सेम यूज कर रहे हो, इन सारी रीजंस की बुनियाद पर आप समझो कि अकाउंट जो है वो आपका लिंक हो सकता है, और उस लिंकेज की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम APIs यूज कर रहे होते हैं, जैसे प्राइस ट्रैकर या जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कुछ टूल्स या सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी वजह से भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इवन मैंने अकाउंट इस तरह के भी देखे जो VPS की वजह से डीएक्टिवेट हुए। अब VPS, आप सोच रहे होंगे कि VPS की वजह से कैसे डीएक्टिवेट हो सकता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक VPS परचेज किया और उस पर मैंने एक UK का अकाउंट ओपन कर लिया। लेट्स से मैं एग्जांपल सिर्फ कोट करी, आई एम नॉट नेसेसरली टॉकिंग अबाउट कि वो UK का अकाउंट ही होगा, कोई भी अकाउंट हो सकता है, ठीक है। VPS जो है उसको परचेज किया हमने, उस पर हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया, फिर हम कुछ अरसे के बाद हमारा लेट से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब हमने VPS क्या करना, हम क्या करते हैं, VPS जो है वो उसकी एक्सेस सब्सक्रिप्शन खत्म कर देते हैं। जब उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म करते हैं तो वो जो स्पेसिफाइड IP होता है वो फिक्स नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि वो IP अगर मैंने यूज किया तो वो आगे सेल नहीं होगा। जब आप उसकी सब्सक्रिप्शन एंड करेंगे, उस IP की जो लोकेशन है समझ लो वो उस टाइम पर वेकेंट हो जाएगी, और जो कंपनी VPS की रन कर रहे होते हैं वो कोई भी स्लॉट खाली नहीं जाने देते, वो सेम IP किसी और बंदे को भी एलोकेट कर सकते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम सेम VPS की वजह से भी प्रॉब्लम आती हुई देखी है। तो अमेजोन के एल्गोरिदम उस टाइम पर ये कहता है कि ये अकाउंट आपके साथ लिंक कर रहा है। ये सिचुएशन मैंने एक अकाउंट पर फेस की थी, जिसमें एक अकाउंट था और वो अकाउंट था कैनेडा का अकाउंट था, और उस अकाउंट को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट से लिंक किया हुआ था, और ऑस्ट्रेलियन अकाउंट मतलब आप समझ लो कि ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन पे बना हुआ था, लेकिन उसका बिजनेस रन USA में हो रहा था, ठीक है। अब दोनों का जो लिंक है वो सिर्फ VPS के थ्रू था और किसी चीज के थ्रू नहीं था। अब मैं आपको कुछ और रीजंस भी बताती हूँ। एक इस तरह का मैंने अकाउंट भी देखा जिसमें मतलब जो बेसिक रीजन थी वो किसी भी तरह की लिंकेज नहीं थी आपस में अकाउंट्स की, लेकिन सेम आइटम सेम टाइम पर दोनों अकाउंट्स पर सेम परचेजर से परचेज हुई थी और लिस्ट हुई थी। यानी कि अगर मैंने 50 की क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की खरीदी और सेम प्रोडक्ट की किसी और ने भी खरीदी और सेम वेयर हाउस का एड्रेस, तो वेयर हाउसेस के एड्रेस की वजह से भी लिंक हो जाते हैं अकाउंट। अगर लेट से हम, क्योंकि वो सब चीजें हो रही है ना, मतलब कर इसमें हो रहा होता है, परचेजिंग वगैरह हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम सप्लायर का या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ले लेते हैं, XYZ फॉर एग्जाम्पल सप्लायर है, उससे मैंने भी लॉग इन किया हुआ है, उस पर आपने भी लॉग इन किया हुआ है। अब ऑब्वियसली जो शिपिंग एड्रेस होगा, यानी कि मेरी जो प्रोडक्ट अमेजोन तक जा रही है, अगर हम FBA करें, ये FBA के केसेस में भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है इसमें ड्रॉप शिपिंग या PL या कुछ भी, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब मैंने वो प्रोडक्ट उसी वेयर हाउस से अपनी अमेजोन तक पहुंचाई और एक और अकाउंट था उसने सेम एड्रेस को यूज करते हुए उसने भी प्रोडक्ट्स अपनी अमेजोन तक पहुंचा दी, उस केस में क्या हुआ कि अमेजोन ने आपको पकड़ लिया कि भाई आप दोनों के एक ही अकाउंट है, लिंक हो गए अकाउंट, क्योंकि आप दोनों के अकाउंट्स में सेम वेयर हाउस का एड्रेस इस्तेमाल हुआ। तो लाइक इस हद तक भी होता है। तो इसी वजह से हम लोग फिर क्या करते हैं कि सप्लायर का जो वेयर हाउस का एड्रेस होता है हम उसको ऑल्टर करते हैं अपने हिसाब से। ऑल्टर इस सेंस में करते हैं कि हम अपना नेम लिखवाते हैं या कोई स्पेसिफिक सूट नंबर या कोई ऑफिस नंबर हम उसके साथ अटैच करवाते हैं, फिर हम अकाउंट को मतलब आगे लेकर चलते हैं। तो लाइक कहने का मकसद ये कि इतनी इन डेप्थ जाकर आपको चीजों के एनालिसिस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि हम जो है किस तरह से जो अनसस्पेंडेड अकाउंट उनको अनसस्पेंड करवा सकते हैं।
सबसे पहले तो आपने इस कॉल मी नाउ के बटन को यूज करना है, ठीक है। अमेजोन की अकाउंट हेल्थ में जाना है आपने, इस कॉल मी नाउ के बटन को आपने यूज करना है। और जब कॉल मी नाउ का बटन आप खोलेंगे तो उसके बाद फिर वो आपसे आपका इशू पहले पूछेगा, फिर वो आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा। आप ये दोनों चीजें एंटर करोगे और कॉल मी नाउ पर क्लिक कर दोगे, फौरन आपको कॉल आ जाएगी। जब कॉल आएगी तो आपसे एक चीज की कंफर्मेशन पूछेंगे कि जो आप जिस अकाउंट के लिए बात कर रहे हो उस अकाउंट का प्राइमरी ईमेल बता दो। तो प्राइमरी ईमेल वो होता है जिस पर अकाउंट क्रिएट किया गया होता है, तो आपने वो ईमेल पहले बताना होता है, फिर आप अपना इशू डिस्कस करते हो उनके साथ। तो ये एक तो कॉल करना है, और कॉल में आपने उनसे स्पेशली ईमेल पूछने की कोशिश करनी है कि फर्स्ट थ्री लेटर्स अगर आपको ईमेल के पता चल जाए जो कि रिलेटेड हैं। ये रीजन वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक ईमेल पर जब चाइल्ड एक्सेसेस बनी हो या किसी भी रीजन की वजह से उस ईमेल की वजह से लिंकेज हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी कि एक ईमेल पर तीनों अकाउंट्स जो हैं वो थे, एक अकाउंट पर सस्पेंशन आई और बाकी दो उस अकाउंट के साथ लिंक हो गए क्योंकि उनकी सेकेंडरी ईमेल जो है वो मैच कर रही थी आपस में। तो ये चीज भी होती है। तो उसमें आप ईमेल पूछें और फोन पर आप इंसिस्ट करें कि यू आर नॉट रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंट। आप फर्म रहें और परसिस्टेंट रहें, और आप कोशिश करें कि क्योंकि जब आप इस चीज पर रहेंगे ना, स्टक रहेंगे, तो अमेजोन कोई ना कोई क्लू आपको दे देगा कि किस चीज की वजह से लिंकेज आ रही है। आपकी ईमेल की वजह से आ रही है, क्रेडिट कार्ड की वजह से आ रही है, एड्रेस की वजह से आ रही है, किस चीज की वजह से आ रही है। तो मतलब इसी तरह से है कि मैंने लास्ट टाइम एक अकाउंट इस तरह का रिजॉल्व किया था, उसमें इसी तरह से था। तो उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है ना वो मतलब जैसे हम चार्ज मेथड यूज करते हैं ना, तो उन्होंने पहले तो चार्ज मेथड अपना लगाकर कर लिया, बाद में कुछ अरसे के बाद जैसे होते हैं कि चार्ज मेथड अक्सर लोग चेंज करते रहते हैं या डिपॉजिट मेथड चेंज करते रहते हैं, जैसे ही दूसरे अकाउंट का लगाया चल भाई दोनों ही अकाउंट लिंक हो गए। अब उन्हें नहीं पता चला कि भाई हम ये वाला कार्ड जो है वो उस अकाउंट पर भी पहले लगा चुके हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन की, इतनी कॉल्स और इतना सारा कुछ करने के बाद उस बंदे के मुंह से निकला कि भाई आप जो है ना अपने क्रेडिट कार्ड को चेक कर लें ज्यादा है, तो उससे फिर हमें पता चल गया, हमने क्रेडिट कार्ड चेक किया साथ ही पता चल गया दोनों अकाउंट इस वजह से लिंक हुए हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपने फिगर आउट करना होता है कि सस्पेंशन की क्या रीजन है, फिर आप अपील उसके मुताबिक ही लिखते हो, और अपील में बकायदा आप क्लियरली मैंशन करते हो सारी चीजों को। और स्पेशली जब आपको ईमेल पता चल जाती है ना, तो आप उस ईमेल को कंफर्म भी कर सकते हो यूजर परमिशन हिस्ट्री से जाकर। हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि आपने किस किस को कब कब परमिशन दी थी और किस किस की परमिशन को आपने रिमूव किया हुआ है, तो वहां से ईमेल के फर्स्ट थ्री लेटर्स आपको पता चल जाएंगे। अगर दोनों अकाउंट्स में सेम है तो फिर ऑब्वियसली उस ईमेल की वजह से लिंकेज है आपकी, ठीक है। उसके अलावा आप रिलेटेड अकाउंट को अनसस्पेंड अगर करवाना चाहते हो तो आपको प्रूव करना है कि आपका अकाउंट किसी और चीज से लिंक नहीं करता। उसमें जो एविडेंस आप अटैच कर सकते हो, यूटिलिटी बिल कर सकते हो, बिजनेस लाइसेंस इंफॉर्मेशन कर सकते हो, या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आप अपील्स वगैरह के साथ जो है वो अटैच कर सकते हो, ठीक है। और अमेजोन जो है उसके पास बहुत क्लियर रिकॉर्ड होता है कि लिंकेज का, और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी पड़ती है अमेजोन अकाउंट लिंकेज की कि उसने क्यों लिंकेज किया है। इसके तकरीबन 20 फैक्टर्स हैं कमोबेश में जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे ईमेल, फोन, ये वो, ये सारी चीजें आपने उसमें देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सेलर्स के अकाउंट सस्पेंड नहीं करता जिनकी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मैच ना करती हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती तो वो अकाउंट खोल देता है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अमेजोन के सेलिंग पैटर्न्स और उसकी जो भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सारी चीजों को आपको इन डेप्थ जाकर देखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब मुझे आप बस थोड़ा सा टाइम दें, मैं एक अकाउंट ओपन करती हूँ। बस अकाउंट देखना है हमने, अपील अब आपने लिखनी है, क्योंकि अपील ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। जी, ये एक अकाउंट है जो कि जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि इसका मेन अकाउंट ये है सेक्शन 3 वाला, और इसके नोटिफिकेशंस अगर आप देखें तो विद इन मतलब दूसरे अकाउंट्स, दूसरी जो मार्केट प्लेस है, इसमें दो मार्केट प्लेसेस हैं, कनाडा है और
यूएस है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक अकाउंट और लिंक हुआ है, ये लॉक था, ये वैसे हमने खुलवा लिया, लॉक से खुलवा लिया, यानी कि अब खुलना स्टार्ट हो गया है। अब हमने जो चीज इस पर अब करनी है, देखनी है, वो ये कि क्योंकि ये लॉक था ना, तो लॉक करके हमने उसको मतलब अनलॉक तो करवा लिया, क्योंकि ये मल्टीपल डिवाइसेस पर ऑन था, तो मल्टीपल डिवाइसेस से हमने इसको रिमूव किया। उसके बाद कॉल पर हमने इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करवाया, फिर जाकर ये अकाउंट लॉक से अनलॉक हुआ, और अब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इसके साथ एक अकाउंट मतलब लिंक भी है। अब देखो इस अकाउंट पर सेक्शन 3 लगा हुआ है, लेकिन जो इसका लिंक अकाउंट है उस पर जो है वो आप समझ लो कि ईमेल आई हुई है, वो ईमेल मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ, जिस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ लिंक है। ठीक है, 1 मिनट दे, मैं शेयर करवाती हूँ। मैम, जब एक लिंक्ड अकाउंट जो है सस्पेंड होता है किसी भी एक्स वाई जेड, मैम जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब एक अकाउंट सस्पेंशन अकाउंट जो है वो अकाउंट अगर किसी के साथ लिंक्ड होता है तो वो रीइंस्टेट किए बगैर दूसरा अकाउंट ओपन हो जाता है जो लिंक्ड होता है। नहीं, वो अगर आप एरर में डाल के करते हो फिर हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर सारे एविडेंसेस को पहले रिमूव करने की जरूरत होती है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि वो अकाउंट लिंक हुआ है दूसरे अकाउंट के साथ मतलब, पर वो उस अकाउंट का उसके साथ कोई कुछ भी नहीं मैच था। मैंने काफी दफा कॉल्स भी करके डिस्कस किया था तो उसने भी यही बताया था कुछ लिंक नहीं है, तो उसका हम एरर में करके करेंगे फिर, बट वो क्लियरली नाम बता रहा था उसका मुझे कौन नाम बता रहा था? मतलब एक अकाउंट था एक्स वाई जेड और वो एबीसी के साथ कनेक्टेड हुआ, एबीसी जो है वो प्रॉपर सस्पेंड हुआ जिसकी जिसने पॉलिसी वायलेशन की थी कि उसने ब्रांड को मीटू किया, उसने उस पे केस ओपन किया जिसकी वजह से उस पे सेक्शन 3 लगी, पर जो एक्स वाई जेड अकाउंट था वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था और वो उसके साथ लिंक्ड हो गया एबीसी के साथ, और वो मुझे क्लियरली नेम बता रहा था उसका कि ये इसके साथ लिंक्ड हुआ है, और नाम हालांकि तो वो बता उसके देते हैं, हमारा काम है ईमेल को पता करना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना मतलब कहने का ये कि अभी वो फॉरवर्ड हो जाती है, मैंने कह दिया। मतलब ये कि सेकंड अकाउंट पर ईमेल आई है, तो अब आपको मैंने सिनेरियो सारा समझा दिया है। 2 सिनेरियोज हैं, एक उन्होंने फोन नंबर सेम इस्तेमाल किया हुआ है, अब इसमें एक तो फोन नंबर चेंज करने की जरूरत होगी, और दूसरा आई थिंक, हाँ दूसरा इन्होंने लैपटॉप सेम यूज किया हुआ है अकाउंट क्रिएशन के लिए, तो ऑब्वियसली अब वो लैपटॉप का आईपी तो चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि वो सेकेंड अकाउंट पर तो जो लिंकेज वाला है उस पर वर्किंग करने के लिए आपको बहुत सॉलिड रीजंस वगैरह चाहिए होंगी। क्या आप कहोगे कि मतलब मैंने एक न्यू लैपटॉप यूज्ड में परचेज किया था और ये था वो था, इस तरह की फिर आप सारी स्टोरी उसके अंदर एंटर करोगे, आपने फिर उसको एरर में ही लेकर जाना है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब इसमें एक और सिनेरियो है कि फोन नंबर, अब फोन नंबर आपको पहले चेंज करने की जरूरत होगी, उसके बाद अपील की सबमिशन होगी, और फिर आप सारी चीजों के एविडेंसेस और सारे सारा कुछ लगाएंगे कि भाई ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, ये इस बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हर हर चीज इनकी सेपरेट है। फिर आप एविडेंसेस के तौर पर बिजनेस लाइसेंस लगा सकते हो, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, फिर आप बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हो, आप मतलब अपनी ईमेल हर चीज आप उसमें डिटेल में बताओगे कि भाई हमारी तो ये चीजें हैं, हमें दूसरे को कोई पता नहीं है कि दूसरा बंदा कौन है, और जो लिंकेज की रीजन है वो आपने ऑब्वियसली फोन पर ही पता करनी है। जी उस्मान, मैम। फोन नंबर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी होगी टीम को या सेटिंग में से हम खुद ही कर सकते हैं? उसके लिए हमें रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। तो वो कर देते हैं इजीली? जी, उन्हें कहें कि भाई हमारी जो है ना सिम लॉस्ट हो चुकी है, और वो हम दोबारा से उसे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे, हम दूसरी सिम इसमें अटैच करना चाहते हैं, कर देते हैं। लेकिन मैम लैपटॉप का तुम कह देंगे ये मैंने यूज हुआ लिया था, लेकिन जो हम फोन नंबर चेंज करेंगे रिकॉर्ड में तो वो रहेगा पुराना नंबर, तो वो रिकॉर्ड चीज वो ठीक है, लेकिन जो टीम होती है ना, ये जो परफॉर्मेंस वाली, ये वो जी। पिछला रिकॉर्ड नहीं आपका देखती, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को आपकी अपील के साथ मैच करती है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें यही है कि अभी इस पर वर्किंग अभी स्टार्ट होनी है, तो अगर आप में से भी कोई विलिंग हो इसके साथ इसकी अपील बनाने में करने में,
तो आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। बाकी इसकी फर्दर जो सारी के सारे मतलब है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अकाउंट हेल्थ आप देख लें इसकी, इस पे ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, ODR इसका इफेक्टेड है, वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग हो रही थी। बाकी फीडबैक अगर आप इसका देखना चाहें तो वो भी देख लें। ये इसका फीडबैक है, यहाँ पर एक ही फीडबैक है तब 30 डेज में, और वो सारे पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव इनका कोई भी नहीं है, सारे फीडबैक्स भी इनके अच्छे और रिलायबल इनके फीडबैक्स हैं। उसके बाद अगर क्लेम्स देखे जाएं A to Z गारंटी क्लेम्स, तो वो भी एज सच मेरे ख्याल से नहीं थे। हाँ गारंटी क्लेम है इनके, ठीक है। तो ये गारंटी क्लेम्स यहाँ पर देखो ऊपर नीचे ही आए हैं, ये 13 अगस्त को आया, 9 अगस्त को आया, 8 अगस्त को आया, 7 अगस्त को आया। असल में ये वो गारंटी क्लेम्स है मेरे ख्याल से जो इनके अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद आए थे। एक मिनट देख लेते हैं अकाउंट कब इनका डीएक्टिवेट हुआ। हाँ जी ये 23 को हुआ ना, इन्होंने फिर वो जितने भी ऑर्डर्स रह गए थे वो इन्होंने फुलफिल नहीं किए, तो उनकी वजह से ये सारे क्लेम्स आए थे बाद में, ठीक है। तो आप इस चीज को भी मतलब नोट पिन पॉइंट कर सकते हो कि ऑर्डर्स पहले आए हुए थे और हमने इन ऑर्डर्स को बाद में फुलफिल नहीं किया। हम यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब अकाउंट से स्पेंड हो जाए रिमेनिंग ऑर्डर्स करने चाहिए कि नहीं? सेक्शन 3 हो तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी स्टक होती है, कुछ और ऑर्डर्स भी कर दें आप तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। वो बस यही होता है कि आप कस्टमर्स को मैसेज कर दें कि भाई वो खुद ही अपने अपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स जो है ना वो कैंसिल कर दें। अच्छा यहाँ से आपने आकर वॉइस ऑफ कस्टमर भी देखना होता है कि अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग डिलीट हो चुकी है 29 जुलाई को, लेकिन अकाउंट इससे पहले डिलीट हुआ है और ये बाद में हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पेमेंट्स में आकर आपको पेमेंट्स देखने की जरूरत होती है, डिस्पर्समेंट में जाएं और पेमेंट सारी देखें कि किस तरह का साइकिल या पैटर्न रहा है। तो देखें इनकी भी पेमेंट्स छोटी छोटी पेमेंट्स हैं, कोई बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, जो ट्रिक्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो ना हुई हो इसके ऊपर। इन्वेंट्री देखें, इन्वेंट्री ऑलरेडी वो सारी डिलीट कर चुके हैं इसलिए आपको कोई पता नहीं चलेगा। जब इन्वेंट्री सारी डिलीट हो चुकी हो तो ऑर्डर्स में जाके आपने मैनेज ऑर्डर्स में जाना है और सारी चीजों को यहाँ से आपने शिफ्ट में जाकर चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री और जो भी चीजें हैं वो सारे मामला आपको यहाँ से समझ आ जाएंगे। अब देखें रिफंड्स भी बहुत ज्यादा इनके अप्लाई नहीं हुए हुए, तो इसका मतलब है कि इनको पैकेजिंग ने मारा है, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स इनकी वॉलमार्ट की थी, एक पैकेजिंग और एक फेक ट्रैकिंग। और दूसरा ये कि इन्होंने कुछ कुछ आइटम्स शुरू शुरू में अमेजोन को अमेजोन ड्रॉपशिप भी की थी, जिसकी वजह से ये पकड़े गए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये सारी चीजें जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस अकाउंट पर हम सेक्शन 3 खुलवाने की कोशिश करेंगे और जो सेकंड अकाउंट लिंक है लिंकेज की उसमें रीजन आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, या वो जिस तरह अब ये वाला केस है उसमें कुछ केसेस में आप ब्लड रिलेशन भी मतलब शो कर सकते हैं। अच्छा ब्लड रिलेशन या फिर आप इस तरह से भी बता सकते हैं ना, तो उसमें भी आपकी बचत हो जाती है। एक अकाउंट इस तरह की भी था कि दो भाइयों का अकाउंट था, एक अकाउंट सस्पेंड हुआ, दूसरा भाई तो ऑब्वियसली सेपरेट है ना उसका अकाउंट तो, लेकिन घर एक ही है उनका, रह वो एक ही साथ रहे हैं, तो उसमें फिर बंदा फ्लोर नंबर्स और चीजें वगैरह मेंशन करके आप इस तरह से अपनी बचत करवा सकते हैं तो अकाउंट इसमें खुल जाते हैं अगर आपको प्रॉपर रीजन पता चल गई है तो। मैम मेरे पास एक अकाउंट है, उसमें बाप बेटा है, एक ही घर में रह रहे हैं, सेम इंटरनेट कर रहे हैं, तो मैंने उसके अपील सबमिट की है, ये सारा कुछ लिख के, लेकिन अगेन वो जो है रिजेक्ट हो गई है। आपने एविडेंसेस नहीं लगाए होंगे? एविडेंसेस उसमें मैं कौन कौन से लगाऊंगा? अभी तो बताया है बिजनेस लाइसेंस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लगाए, बैंक स्टेटमेंट लगाए, और आप उन्हें बताएं कि हमारा ब्लड रिलेशन है, उसके लिए आप दोनों की वो भेज दें, लेकिन उन्हें कहें कि ये सेपरेट रन हो रहे हैं, वो उनका अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है, तो इस तरीके से आप उसको करें, ठीक है। ठीक है ब्लड रिलेशन आप शो करवा दो उन्हें कि भाई हमारा ब्लड रिलेशन है बट हमारा जो बिजनेस है वो सबका सेपरेट है, ठीक है जी। ठीक
चलिए जी, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ईमेल में भी आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।